शाह, वेलकम बैक टू अवर चैनल माई स्पेस माई लिविंग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूजफुल वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बजट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजर्स, जिसकी हेल्प से आप अपने किचन को बड़ी आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऐसा हमें बहुत बार लगता है कि हमारा किचन बहुत छोटा है या हमारे पास प्रॉपर कैबिनेट नहीं है चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो शायद हो सकता है कि ये ऑर्गेनाइजर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, ताकि आप भी काफ़ी ईजिली अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर पाएं। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा पहला ऑर्गेनाइजर है ये लेजी सुजन। आप देखेंगे कि ये इस तरह रोटेट हो सकता है। इसके इस रोटेटिंग फीचर होने की वजह से हम इसको कैबिनेट के उन कोनों में रख सकते हैं जहां से सामान निकालना और रखना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। यहां पे आप देखेंगे कि मैंने इसको अपने इस कैबिनेट में रखा है और यहां से सामान निकालना और रखना काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में ज़रूर इन्वेस्ट करें। मेरा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर है ये 3-tier shelf। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कुछ अपने मसालों को ऑर्गेनाइज करके रखा है। यह मैंने आपको ऑलरेडी अपनी स्पाइस रैक ऑर्गेनाइजेशन वीडियो में आपसे शेयर किया था। इस ऑर्गेनाइज़र की हेल्प से पीछे से मसालों को निकालना और इस्तेमाल करना काफ़ी इजी हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने पीछे से यहाँ इस बॉटल को निकाला और उसमें से सामान निकालना, वापस इसको रखना काफ़ी इजी एंड कन्वीनियंट होता है। यह सीढ़ी की स्टाइल में बना हुआ होता है, जिसके वजह से पीछे की शीशियों को देखना और निकालना और सामान रखना काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। मेरा नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है ये शेल्फ डिवाइडर, जिसकी हेल्प से आप अपने बड़े से शेल्फ को 2 parts पे डिवाइड करके एक्स्ट्रा स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ सामने देखेंगे कि मैंने ये शेल्फ डिवाइडर लगा रखा है, जिसके वजह से मैंने अपने कप्स को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करके रखा हुआ है। इसकी हेल्प से आप नोटिस करेंगे कि जैसे कि मेरी स्पेस बिल्कुल डबल हो गई हो इस कैबिनेट के अंदर। For me, this is the most essential organizer in my kitchen. मेरा नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है ये ओवर द डोर हुक्स। इसको आप कैबिनेट के ऊपर भी लगा सकते हैं एंड डोर के ऊपर भी लगा सकते हैं। इसके वजह से आपकी एक एक्स्ट्रा स्पेस हो जाती है आपके किचन कैबिनेट्स के अंदर। क्या आप देखेंगे कि मैंने अपना ये ओवर द डोर हुक इस कैबिनेट में लगा रखा है जो बिल्कुल गैस के पास है, ताकि काम करते समय एसेंशियल चीज़ों को वहाँ से निकालना काफ़ी इजी एंड कन्वीनियंट हो जाता है। तो आप भी इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको लोअर कैबिनेट्स में लगा सकते हैं, अपर कैबिनेट्स में लगा सकते हैं। इसकी हेल्प से आप ये हैंग करने वाले प्रोडक्ट्स को ईजिली एक अलग स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है ओवर द डोर टॉवल होल्डर। आप जब भी किचन में काम करते हैं, हमेशा हमको लगता है कि हम अपने टॉवल्स को कहाँ हैंग करें, तो ये जो कैबिनेट ओवर द हुक होल्डर्स हैं, इसकी हेल्प से आप अपने टॉवल्स को हैंग करके रख सकते हैं। मैंने इसको जस्ट अपने सिंक के पास लगाया है, ताकि हाथ धोने के बाद टॉवल का इस्तेमाल ईजिली हो पाए और जगह जगह पानी ना गिरे। मेरा नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है ये 3-tier shelf। ये भी आपने मेरे स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन वीडियो में देखा होगा। इसको मैंने अपने स्पाइस कैबिनेट में रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने अपने मसाला बॉक्सेस को अरेंज करके रखा है, और साथ ही ऑयल एंड घी के कंटेनर्स यहाँ रखे हुए हैं। तो आपने देखा, इस ऑर्गेनाइज़र की हेल्प से 3 तरह की चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी हेल्पफुल है एंड काफ़ी यूज़फुल है।
मेरे नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर्स हैं ये मसाला बॉक्स। इस तरह के मसाले बॉक्स किसी भी किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं, स्पेशली ये स्टील वाला। लेकिन मेरा सजेशन ये कि आप इस तरह का वुडन वाला या फिर एक और स्टील का ऑर्गेनाइजर ज़रूर परचेज करें अपने खड़े मसाले रखने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इस वुडन ऑर्गेनाइजर के अंदर सारे खड़े मसाले रखे हैं। इससे इनको इस्तेमाल करना और यूज़ करना काफ़ी ईजी हो जाता है और ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेते हैं। In my kitchen, these are the most important organizers. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर है इस तरह की राउंड ट्रे। जैसे कि इस कॉर्नर के एरिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ये राउंड ट्रे यूज़ की है, जिसमें मेरे सारे के सारे ऑयल डिस्पेंसर्स मैंने रखे हुए हैं। मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इसके अंदर मेरे ऑयल डिस्पेंसर्स आ जाते हैं, चॉपिंग बोल्स आ जाते हैं और डेली यूज़ होने वाले बोल्स आ जाते हैं। सो इस तरह की ट्रे भी बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर का काम करती हैं। That's all for today's video. Hopefully, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर आपको जरूर पसंद आया होगा अपने किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और अगर आपको कुछ पसंद आया है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल माई स्पेस माई लिविंग एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज माई स्पेस माई लिविंग। टेक केयर, बाय बाय।